ताज़ा तरीन अपलोड की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। हेलो स्टूडेंट, वेलकम। तो देखिए, आज की क्लास में हम लोग 20 के दांत, ठीक, हिंदी एक्सरसाइज में हैं। आपको मालूम है हिंदी सब्जेक्ट का है 20 का दांत, ठीक। एक्सरसाइज नंबर 2 है, ठीक, एक्सरसाइज नंबर 2 है। याद रहे शीर्षक का क्या नाम है, 20 का दांत। मतलब इस चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं आपके एग्जाम्स के लिए, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं, सिर्फ वही ऑब्जेक्टिव आपको इस एक्सरसाइज में देखने को मिलेंगे। मतलब हम लाए हैं, ठीक, आपके एग्जाम्स के लिए स्पेशल, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन को आप इग्नोर नहीं करेंगे बल्कि ध्यान में रखेंगे, ठीक। तो आइए, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, क्योंकि आपका टाइम बहुत कीमती है, हमें मालूम है एग्ज़ाम्स का टाइम है, एंड मेरा भी एग्ज़ाम्स का टाइम चल रहा है, ठीक। 1 दिसंबर से एग्ज़ाम्स है मेरा भी, तो फिर भी हम आपका टाइम निकाल रहे हैं, ठीक, क्योंकि आप पर भी ध्यान देना। तो देखिए, ज़्यादा हम बातें नहीं करेंगे। ऑप्शन क्वेश्चन ए, क्वेश्चन 1 में क्या है, 20 के दांत शीर्षक कहानी का कहानीकार कौन है, मतलब 20 के दांत का लेखक का नाम क्या है। तो हम ये आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप 20 के दांत लाइक हिंदी का जितने भी एक्सरसाइज हैं वो आप एक्सरसाइज पढ़ लें, ठीक। थोड़ा ध्यान से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, मेन मेन टॉपिक याद रखें, ठीक, क्योंकि उसी से ऑब्जेक्टिव बनते हैं, ठीक ना। जैसे देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, 20 के दांत का लेखक कौन है, मतलब कहानीकार कौन है। तो आप कहानी पढ़े होंगे तो आप इसका जानते हैं तो कमेंट में बताइए हमें, ठीक। फिर भी हम बता रहे हैं आपको, हमें मालूम है आप जानते हैं अच्छे से, क्यों आप प्रिपरेशन अच्छे से किए होंगे, स्टडी तो करते ही होंगे अच्छे से, क्योंकि आपके एग्जाम्स भी आ चुके हैं। सो हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। तो देखिए, इसका ऑप्शन ए में पढ़ चुके हैं आप, बी भी पढ़ चुके हैं, फिर भी हम पढ़ रहे हैं, ठीक। क्या है, मोहन राकेश, और बी में क्या है, कमलेश्वर प्रेमचंद्र नलिन बिरोचन शर्मा, देखिए। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएंगे, ठीक, नलिन बिरोचन शर्मा। याद रहे कौन सा, नलिन बिरोचन शर्मा, ठीक ना। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सेकंड, गिरधर लाल कौन थे। देखिए एक्सरसाइज पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेंगे गिरधर लाल कौन थे, ठीक। वैसे आप गिरधर लाल नहीं बता सकते, मान लीजिए आपके गांव के नाम में, गांव में कोई गिरधर नाम है, तो वैसे नहीं आप बता सकते वो है नहीं। आप इस एक्सरसाइज में, 20 के दांत के एक्सरसाइज में जो गिरधर लाल थे वो कौन थे, क्या करते थे, उसके बारे में पूछ रहे थे। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है, यानी उसका पिता पूछ रहे हैं किसका। तो देखिए यहाँ पे कासू के पिता थे, मतलब गिरधर लाल क्या कासू के पिता का नाम था, मदन किसका, मदन का पिता कौन था, गिरधर लाल। तो देखिए, रजनी का पिता, शेफाली का पिता, तो गिरधर लाल कौन थे, ऑप्शन में बताइए हमें, ये कमेंट में बताएंगे कौन थे गिरधर लाल। तो ऑप्शन क्वेश्चन 2 इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो मदन के पिता हो जाएंगे, ठीक, क्योंकि इस एक्सरसाइज में, 20 के दांत एक्सरसाइज में हम पढ़े थे बहुत पहले नहीं, बस कई साल पहले पढ़े थे, 5-6 साल पहले, जब हम 10th में थे, 6 साल पहले हम 10th क्लास में थे, तो उसमें मदन हम पढ़ा करते थे, तो मदन का पिता हो जाएंगे, ठीक। एंड क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले। देखिए मुहावरा है, रियल में दांत थोड़ी तोड़े होंगे, ये मुहावरा होंगे, ठीक ना, क्योंकि हिंदी में मुहावरा ही होते हैं। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले, 3, 1, 2, 4, ये रियल में भी तोड़े होंगे, आप एक्सरसाइज में पढ़ेंगे तो हमें कमेंट में बताएंगे क्या रियल में सच में तोड़े थे क्या, या फिर कोई मुहावरा टाइप का है यहाँ पे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी हो जाएंगे, 2, ठीक, कितने दांत तोड़े थे बच्चों, 2, ठीक। ध्यान में रखेंगे ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि हम बहुत रिपीट कर रहे हैं ये सब। तो नलिन बिलोचन शर्मा के माताजी का नाम क्या थे, क्या ये पगझावती शर्मा, कलावती शर्मा, रत्नावती शर्मा, इंद्रावती शर्मा। तो ऑप्शन इसका हो जाएंगे आपका सी नंबर, रत्नावती शर्मा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे, ठीक। इन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर क्या है, नलिन बिलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए, किसके आए, राजनीति, कथा का, मनोवैज्ञानिकता का, सामाजिकता का, इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो मनोवैज्ञानिकता का, ठीक, ध्यान में रखेंगे इसे क्वेश्चन को। एंड 6 नंबर क्वेश्चन है, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था, ठीक, इस एक्सरसाइज हम लोग पढ़ा करते थे, तो उसमें एक मोटर कार थे और किसी से खतरा थे, तो किससे खतरा थे, यहाँ पे नाम दिया हुआ है कौन, ड्राइवर से खतरा थे मोटर कार को, मदन से, खोखा से, इंजीनियर से,
तो मुझे नहीं लगता कि ड्राइवर से कोई खतरा होंगे मोटर कार को। तो यहाँ पर देखा जाए तो मदन से भी नहीं है, इंजीनियर्स ने भी नहीं होंगे, तो खोका से होंगे। ठीक, खोका, खोका देखिए यहाँ पे नाम ठीक नहीं सुनने लगता है, मतलब खोका मतलब बच्चा हो गया, ठीक ना। हम लोग के भाषा में खोका बच्चा को बोलते हैं और खोकी बच्ची को बोलते हैं, मतलब बच्चा बच्ची खोका खोकी हो जाते हैं, ठीक ना। तो वो वहाँ का उस एक्सरसाइज का लैंग्वेज था, खोका बच्चा को खोका बोलते थे और बच्ची को खोकी बोलते थे। तो नाम भी सही नहीं है, पढ़ने में ठीक नहीं लगता, फिर भी ऑप्शन नंबर सी है आपकी एक्सरसाइज में है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है। खोखा देखिए आ गए ना, यहाँ पर आ ही गए। खोका खोकी किस भाषा का शब्द है? तो देखा हमने अभी बताया, अभी खोका खोकी मतलब बच्चा बच्ची। अब बच्चा बच्ची को ऐसा कौन सा भाषा है जिसे हम खोका खोकी भी बोलते हैं, बच्चे बच्ची को उस लैंग्वेज में क्या कहते हैं? खोका खोकी। तो वो कौन सा लैंग्वेज है, कौन सा भाषा है? तो तमिल का, भोजपुरी का, बंगला का, हिंदी का? तो हिंदी का तो नहीं है, ठीक, ये तो सभी को मालूम है। भोजपुरी का भी नहीं है, खोका खोकी भोजपुरी में हम थोड़ी बच्चा बच्ची को बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे बंगला हो जाएंगे, कौन सा हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ये राइट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी बंगला। बंगला में हम बच्चा बच्ची को क्या बोलते हैं? खोका खोकी बोलते हैं, ठीक, याद रहे, ध्यान रहे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन है, ऐसे ही लड़कों का आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। मुझे भी ठीक नहीं लगता, यह पंक्ति किस कहानी से मतलब ली गई है? यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है, मतलब इस कहानी में किसके द्वारा कहा गया है, किसने कहा है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह किसने कहा है? और इसी कहानी में कहा है, इसी कहानी का तो ऑब्जेक्टिव है ये है, लेकिन किसने कहा है? सेन साहब की धनुपत्नी ने, मतलब वाइफ ने कहा है क्या? गिरधर ने कहा है क्या? सेन साहब ने कहा होगा या फिर सोफर ने कहा होगा? तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है जिन्होंने एक लड़के को कह दिया कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर, मतलब उस पर थोड़ा इल्ज़ाम लगा दिया? हाँ, कुछ क्या होगा, लड़का गलती काम क्या होगा तभी तो ऐसा बोले। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो 8 नंबर हो जाएंगे, सेन साहब। सेन साहब के द्वारा कहा गया कि लड़के आगे चल के गुंडे चोर डाकू एंड बनते हैं, ठीक। तो इसका अब नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं, कौन सा है? 9 नंबर क्वेश्चन हो जाएंगे, देखिए आगे हैं। इसी पर हम डिस्कस किए थे कि इस लैंग्वेज में खोका खोकी का अर्थ क्या हो गया, तो मतलब बताएं आपको कौन सा बच्चा बच्ची हो गए हैं, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए हो गए हैं, ठीक। एंड बी में क्या है? बाबा दादा भाई बहन चाचा, ये नहीं, ठीक। ऑप्शन ए में बच्चा बच्ची को हम काको की बोलते हैं। सो एंड 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, देख ही रहे हैं हम, पढ़ेंगे नहीं, आप देख रहे हैं, ऑप्शन भी देख लीजिए आप, ऑप्शन क्या है देख रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएंगे 10 का हो जाएंगे, कौन सा? सी, कासू हो जाएंगे, ठीक, ध्यान में रहे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 20 के दांत कैसी कहानी है, सामाजिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, मनोवैज्ञानिक? तो आपको मालूम है कैसी है, मनोवैज्ञानिक है। पहले हम डिस्कस किए थे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में जो ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था, तो वैज्ञानिक है, ठीक। इसका राइट आंसर कौन सा हो गया? एंड ऑप्शन नंबर डी का, डी हो गया वैज्ञानिक। 20 के दांत कैसी कहानी है, वैज्ञानिक है, ना कि धार्मिक, ऐतिहासिक एंड सामाजिक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सेन साहब अपने पुत्र को बनाना चाहते थे, मतलब सेन साहब ने अपने पुत्र का कुछ करियर बनाना चाहते थे, वो क्या बनाना चाहते थे? बिजनेसमैन या फिर इंजीनियर बनाना चाहते थे क्या, या फिर वकील जिसे लॉयर कहते हैं, एंड प्रोफेसर एंड डॉक्टर? तो क्या बनाना चाहते थे? आप एक्सरसाइज पढ़े होंगे तो आपको अच्छे से मालूम होंगे क्या बनाना चाहते थे। तो इसका 12 का आंसर हो जाएंगे इंजीनियर बनना चाहते थे, ठीक। कौन से, क्या बनाना चाहते थे? बिजनेसमैन एंड इंजीनियर, ठीक, ये बनाना चाहते थे। ख्वाहिश तो अच्छे बड़े रखे हैं यहाँ सेन साहब ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम, मदन अक्सर किसके हाथों से पिटता था? तो इसका भी आंसर आप जानते होंगे, हमें इतना उम्मीद है। सो देखिए ऑप्शन में क्या है, माता, एंड बी में क्या है, सेन साहब, एंड खोका, पिता। तो किसके हाथों मदन अक्सर मार खाया करते थे, मतलब पीटा करते थे? तो इसका जो राइट हो जाएंगे वो पिता। देखिए खोका मतलब बच्चा, बच्चा से नहीं तो माता भी नहीं, तो पिता ही होंगे, ठीक ना। एंड 14 नंबर क्वेश्चन क्या है,
नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम थे, क्या नाम थे? तो पंडित रामावतार शर्मा एंड पंडित कृष्णावतार शर्मा, पंडित मृत्युंजय शर्मा, पंडित दशावतार शर्मा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो पंडित रामावतार शर्मा होंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हम, 15 नंबर क्वेश्चन है, सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? एक्सरसाइज पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेंगे क्या गिरधर लाल को फटकार लगाई, क्या मतलब डांट सुनाई होंगे, या खोका को, या मदन को, या शेफाली को। तो 15 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे गिरधर लाल को, ठीक, इसे ही फटकार लगाई मतलब डांटा होंगे या फिर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोधों को उजागर करती हैं? निम्न वर्ग का, उच्च वर्ग का, मध्यम वर्ग का, व्यापारी वर्ग का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो मध्यम वर्ग का हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गए हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए, क्या है, कासू मदन के साथ किस खेल में शरीफ होना चाहता था? कौन सा, फुटबॉल के खेल में, हॉकी का खेल में, बैडमिंटन एंड लट के खेल में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो आपका ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ये कोई खेल होंगे उस एक्सरसाइज में पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेंगे कोई खेल होंगे वहाँ का। सो इसका राइट आंसर डी हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेन साहब किसके व्यंग से एंट कर रह गए? पत्रकार महोदय के व्यंग से एंड मुखर्जी साहब के व्यंग से एंड सीन साहब के व्यंग से, गिरधर लाल के व्यंग से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे मेरे ख्याल से 18 नंबर क्वेश्चन का ए हो जाएंगे, पत्रकार महोदय के व्यंग से। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो क्या है, मदन की उम्र कितनी थी, मतलब उस एक्सरसाइज में आप पढ़ेंगे तो उस शीर्षक में पढ़ने के बाद आपको मदन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक, उसका एज भी पढ़ेंगे कितना था, 5-6 साल का था क्या, 7-8 साल का था, या फिर 3-4 साल का होगा, या फिर 9-10 साल का होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो 5-6 साल का, मदन कितने साल के थे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मदन किसका पुत्र था, मतलब कि मदन का पिता का नाम क्या था? सेन साहब, गिरधर लाल एंड सोफर सिंह, सेन साहब होना, सिंह साहब है, सेन साहब यहाँ और सिंह साहब। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएंगे आपको मालूम है तो हमें बताएंगे, हमें उम्मीद है आपको मालूम होंगे इसका आंसर। तो 20 का आंसर को जाएंगे गिरधर हो जाएंगे, ठीक, मदन किसका पुत्र था, गिरधर, यानी मदन का पिता कौन था, गिरधर लाल। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं, नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने, कब बने थे पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे? सन 1958 ईस्वी में क्या, या 1957 ईस्वी में, एंड 1963 ईस्वी में, एंड 1959 ईस्वी में क्या? तो आपको मालूम होंगे तो हमें कमेंट में बताएंगे कि ये किस नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा होंगे। सो मेरे ख्याल से यहाँ पर हो जाना चाहिए 21 का हो जाना चाहिए, डी नंबर हो जाना चाहिए, 1959 ईस्वी में, ठीक। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करें तो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? 14 जनवरी 1915 में एंड 18 जनवरी 1916 में एंड एक सेकंड एंड 22 मार्च 1917 में एंड 24 अप्रैल 1918 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, 18 फरवरी 1916 में। ध्यान रखेंगे ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में रिपीट हुआ करते हैं, सो हो सके आपके एग्जाम्स में आ जाए। एंड 23 नंबर क्वेश्चन पे हम आ गए, नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई, बताएंगे आप कब हुए? 23 नंबर क्वेश्चन का आप बताएंगे हमें, तो ऑप्शन ए में क्या है 12 सितंबर 1961 एंड ऑप्शन बी में क्या है 14 सितंबर 1961, 16 सितंबर 18 सितंबर। तो कब, कौन सा सितंबर में हुए थे नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु? तो ऑप्शन ए में हो गए थे 12 सितंबर 1961 में। एंड 24 नंबर क्वेश्चन पे हम बात करें तो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ? गांधी घाट पटना, कृष्णा घाट पटना, बरघट घाट पटना, रानी घाट पटना। तो कौन सा घाट पे हुए थे नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म? तो बरघर ई क्या है बदर घाट है, सॉरी हम मिस्टेक चाहेंगे, बदर घाट पटना है, ठीक ना। तो इसका सी नंबर है। एंड 25 नंबर क्वेश्चन पे हम बात करें तो दृष्टिकोण किनकी रचना है, किनकी हैं? रामावतार शर्मा, नलिन बिलोचन शर्मा, राम ई मोहन राकेश, प्रेमचंद्र। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो नलिन बिलोचन शर्मा, ठीक,
दृष्टिकोण किनके द्वारा लिखा गया है, किनकी रचना है, नलिन बिलोचन शर्मा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें तो 26 नंबर क्वेश्चन है, लड़कियां क्या है, कठपुतली हैं, इसे किस बात पर गर्व है, ठीक, किसे इस बात पर गर्व हैं, भाई बहन को, चाचा चाची को, एंड मामा मामी, एंड ऑप्शन डी में क्या है, माता पिता। तो इसका जो राइट आंसर रहेंगे वो हम बताना चाहेंगे आप लोगों को। तो 26 नंबर को क्वेश्चन का राइट हो गए हैं माता पिता को। देखिए बच्चे का गर्व तो आपको मालूम ही है, माता पिता को ही ज़्यादा अक्सर होते हैं, ठीक। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया, कौन, कबूतर, हंस, बत्तख, मछली। तो इसका जो राइट आंसर हो गया वो अभी हम बताना चाहेंगे, तो इसका हंस हो जाएंगे, ठीक, हंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था, बेटियों के अनुसार, खोखा के अनुसार, मदन के अनुसार, गिरधर के अनुसार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो आपका कौन सा हो जाएंगे, बी हो जाएंगे, खोखा के अनुसार। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम आ गए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, देखिए सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, 3, 6, 5, 4। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो 5 थे, वाह आश्चर्य की बात है, 5 लड़कियां, वो भी सेन साहब, तो कोई बात नहीं, 5 बुक में थे, मतलब रियल में 5 होंगे, सेन साहब की कितनी लड़कियां थे, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें तो क्या है, सोफर शब्द का अर्थ क्या है, सभ्यता, संबंध, निर्मता एंड ड्राइवर, कौन सा है बच्चों, एंड डी में क्या हो गया, ड्राइवर, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी हो गया करेक्ट। तो अब नहीं है बट ये लास्ट क्वेश्चन आप बताएंगे हमें, ये 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन में से आपको पहले से कितने क्वेश्चन का आंसर मालूम थे वो भी हमें बताएंगे कमेंट में, और इन सभी क्वेश्चन को आप ध्यान में रखें। एंड मैथमेटिक्स एंड साइंस का क्वेश्चन देखने के लिए, अगर आप विज्ञान या गणित या फिर ये सब का सब्जेक्ट का देखने के लिए आप प्लेलिस्ट पे जाएं, सो प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएंगे, सो प्लेलिस्ट पे आप अदरवाइज इंपॉर्टेंट वीडियो देख सकते हैं, ठीक, आप एग्जाम्स के लिए स्पेशल दिए जा रहे हैं। तो आज की क्लास में हम यहाँ तक कंप्लीट।